तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई और वीडियो में। दोस्तों जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि इस समय एग्ज़ाम दिसंबर मंथ के चल रहे हैं, तो जैसा कि मैंने पिछले स्टूडेंट से बोला था कि जिनका एग्ज़ाम हो जाएगा प्लीज़ हमें क्वेश्चन सेंड करिएगा, तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पर मुझे क्वेश्चन भेजे हैं, तो आज की इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जो सारे स्टूडेंट ने भेजे हैं। हो सकता है कि एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चन आपके नेक्स्ट डे रिपीट हो जाए, तो आपको ध्यान से देखना है सारे क्वेश्चन, वीडियो को एंड तक देखना है, हो सकता है आपके क्वेश्चन ये रिपीट भी हो सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने निकाल लिया है, मैं इसका हाईलाइट भी कर दिया है जिससे आप लोगों को ज़रा सा कन्फ्यूजन ना हो, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जो आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन है वो है कोबोल उदाहरण है लो लेवल लैंग्वेज का, बी नंबर है हाई लेवल लैंग्वेज का और सी नंबर है असेंबली लैंग्वेज का, डी नंबर नन। तो इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन रहेगा उसके चार ऑप्शन रहेंगे, जो करेक्ट रहेगा उसको आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर, इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है रेड कलर के जो उसका करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टूडेंट ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले भेजा था ये सारे क्वेश्चन हैं, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया आप लोगों के बेनिफिट के लिए जिससे आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोल्डर्स और फाइल्स के प्रबंधन में किस विंडोज प्रोग्राम का यूज करेंगे, तो क्वेश्चन आप लोगों को पहले समझ लेना फिर आंसर देना, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो देखने को नहीं मिलेगा। मैंने इसमें तो हाईलाइट कर दिया है रेड कलर से क्योंकि मुझे आप लोगों की हेल्प करना है इसलिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहेगा, चार ऑप्शन रहेंगे, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। पहले क्वेश्चन फिर से पढ़िए, फोल्डर्स और फाइल्स के प्रबंधन में किस विंडोज प्रोग्राम का यूज करेंगे, नंबर एक फाइल एक्सप्लोरर, बी नंबर डिफॉल्ट प्रोग्राम, सी नंबर एसेसरीज। राइट आंसर इसका कहलाता है विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है, ध्यान देना है विंडोज एक्सप्लोरर, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए यूजफुल है क्वेश्चन तो उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, ये सारे क्वेश्चन आपको मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उस पे जाके आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देसी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर है, तो इसका जो राइट आंसर होता है आप लोगों ने देखा ही होगा, आप सोच रहे होंगे सुपर प्रिंटर तो होता नहीं, कोई लेजर प्रिंटर भी होता है, मैट्रिक्स प्रिंटर भी होता है, लेकिन जो ये प्रकार है देसी व्हील का, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका, पिछले मंथ जब एग्जाम हुआ था स्टूडेंट का तो ये क्वेश्चन तब भी पूछा गया था और फिर से पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान देना है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ सिक्योर रहते हैं, नंबर एक प्रोसेसर, बी नंबर रैम, सी नंबर रोम, डी नंबर सीडीरोम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है रोम, ऐसा भी हो सकता है इंग्लिश में भी, जो आप लोगों का जो क्वेश्चन होंगे ट्रिपल सी के एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, जो आपको सुटेबल लगे कि हाँ इसमें में मुझे आंसर देना सही रहेगा तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि हिंदी में ही दीजिए, ये भी जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही दीजिए, ठीक है। राइट आंसर रोम हो जाएगा, रोम का फुल नेम भी आ सकता है, तो रोम का जो फुल नेम होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और सीडी रोम का होता है कम्पैक्ट डिस्क रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीमेल के फाउंडर कौन है, नंबर एक पॉल बेचिट, बी नंबर चार्ल्स, बी नंबर लैरी पेज, डी नंबर है नन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, चार्ल्स वेबेज तो आपको पता है कंप्यूटर के फादर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक में लाकर में रखी गई वस्तु का मालिक कौन होता है, ए नंबर गवर्नमेंट, बी नंबर है वह खुद जिसका वस्तु रहता है, बी सी नंबर बैंक, डी नंबर उपयुक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने सिलेक्ट कर दिया है, आप देख लीजिए बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं अपनी कोई भी आपके पास कॉपी है तब, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शटडाउन करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमनली क्वेश्चन है, जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं कंप्यूटर से जुड़े उनको ये जानना भी जरूरी होता है कि कंप्यूटर किस शॉर्टकट कीज के द्वारा शटडाउन किया जाता है, ए नंबर है F4, बी नंबर कंट्रोल प्लस F4 और सी नंबर Alt प्लस F4, डी नंबर नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम ही होगा, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर Alt प्लस F4, ठीक है, ये शॉर्टकट की जो होती है कंप्यूटर को शटडाउन करके, और आप माउस से भी कर सकते हैं, विंडो पे जाइए जहाँ पर विंडो होता है कॉर्नर पे, विंडो वाले उस पर क्लिक करेंगे सिंबल पे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होके आएगी, ठीक है, वहाँ पर शटडाउन कॉर्नर पे लिखा रहेगा, शटडाउन पे आप लोगों को क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप रिस्टार्ट शटडाउन और स्लीप मोड में भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी विंडोज एप्लीकेशन के ऊपर के हिस्से को क्या कहते हैं, क्वेश्चन समझ लीजिए,
विंडोज़ है, विंडोज़ का कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं? नंबर एक टूल बार, बी नंबर मेनू बार, सी नंबर टाइटल बार, डी नंबर स्टेटस बार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है सी नंबर टाइटल बार। सबसे जब प्रथम पेज होता है वो, यानी कि प्रथम आप लोगों का जो टॉप पे होता है उस बार को हम बोलते हैं टाइटल बार के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कंप्यूटर के प्रत्येक पार्ट्स को सही से वर्क करने और दूसरे सभी प्रोग्रामों के चलने के लिए क्या होना आवश्यक है? नंबर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी नंबर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी नंबर कंपाइलर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है दोस्तों, क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है बी नंबर, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप लोगों को शायद नहीं मालूम है तो मेरी पिछली वीडियो को देख लीजिए, मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है, बताया है मैंने, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए वीडियो, आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। मैंने उस वीडियो में पूरी तरह से समझाया है, आप वो वीडियो देख लीजिए, आई होप आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी के विंडोज 10 में बूट ऑप्शन में न्यू लॉन्च करने के लिए यूज की जाती है? क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, थोड़ा इसमें टाइप करने में प्रॉब्लम हो गई क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने टाइप किया है। निम्न में से कौन सी, ठीक है, की, एक के जो हो गया ना की, मतलब कीज, कंप्यूटर की कोई की होती है, ठीक है, कोई भी कीज, कुंजी जिसे बोलते हैं, ठीक है, कीज विंडोज़ 10 में बूट ऑप्शन में न्यू लॉन्च करने के लिए यूज की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है F8, जो कि एक प्रकार की फंक्शन कीज होती है, फंक्शन कीज होती है, F8 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बूट ऑप्शन में न्यू लॉन्च करने के लिए, जैसे एक न्यू लॉन्च का ऑप्शन होता है ऐसा भी कह सकते हैं, या ऐसा स्क्रोलिंग होती है, तो वहाँ पर आप F8 करेंगे तो वो आप लोगों को न्यू लॉन्च वाली ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCD का पूर्ण रूप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है? तो जी बिल्कुल, LCD आपने सुना ही होगा, ये LED भी सुना होगा, और LCD का क्वेश्चन पूछा गया, तो LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड लेआउट कमांड इंसर्ट टैब में होता है? तो जी बिल्कुल, क्वेश्चन ये फाल्स हो जाएगा, क्योंकि जो आप लोगों का स्लाइड लेआउट कमांड इंसर्ट टैब में नहीं होता है, ये होता है आपका स्लाइड टैब होता है उसमें पाया जाता है, इसमें कह रहा है इंसर्ट टैब में, इसलिए ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है, फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज एक्सेसरीज में नहीं आता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। जब आप विंडो पे क्लिक करेंगे, विंडो, ठीक है, विंडो पे कंप्यूटर में आपके जहाँ पर विंडो की होती, विंडो प्रेस करेंगे तो आपके सामने आल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद एक आल सीरीज वहाँ पर लिखा रहेगा, एक्सेसरीज, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे पेंट, MS Word, बहुत सारे आपको फंक्शन दिखाई देंगे, पर वहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं मिलेगा। मैंने खुद ट्राई किया है इस ऑप्शन को, ठीक है, तो वहाँ पर नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को वेब होस्टिंग कहते हैं? तो जी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को वेब होस्टिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LibreOffice राइटर में पेज सामान्यतः लैंडस्केप होते हैं? ए नंबर है फाल्स, बी नंबर है ट्रू। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फाल्स, ठीक है, क्योंकि लैंडस्केप नहीं होता है। दोस्तों LibreOffice जिनको नहीं पता, मैं बता दूं, LibreOffice बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पिछले कई महीनों से लगातार इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन CCC के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने LibreOffice के लिए स्पेशल क्लासेस बनाई है, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पर भी जाके दे सकते हैं, आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी LibreOffice में, ठीक है। मैंने उसमें बहुत अच्छी मेहनत करके आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज जावा फॉर्मेट में सेव होता है? तो जी बिल्कुल, क्वेश्चन फाल्स हो जाएगा, क्योंकि जो वेब पेज होता है वो HTML फॉर्मेट में, जब वेब पेज आप बनाते हैं तो वहां पर HTML फॉर्मेट्स में सेव करते हैं या स्टेटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LibreOffice इंप्रेशन में टेक्स्ट बॉक्स के लिए F2 शॉर्टकट कीज प्रयोग की जाती है? तो जी बिल्कुल, राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, नंबर हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि LibreOffice जो इंप्रेस होता है, यानी आप लोगों का इंप्रेस का मतलब क्या होता है, यानी पावर पॉइंट, ठीक है, उसमें टेक्स्ट इनबॉक्स बॉक्स के लिए F2 शॉर्टकट कीज आप प्रयोग कर सकते हैं, तो ये आपको प्रोसेस हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LibreOffice राइटर में टेक्स्ट बोल्ड करने की शॉर्टकट कीज कंट्रोल B होती है? तो जी बिल्कुल, राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। MS Word में भी यही शॉर्टकट कीज होती है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, और LibreOffice में भी सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्प्रेडशीट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन
को लेबल्स कहते हैं, तो भैया लेबल्स नहीं कहते हैं, उन्हें कहते हैं क्या, मैं आपको बता भी दूँ, फार्मूला कहते हैं। ठीक है, फार्मूला आपको उसमें अगर फार्मूला लिखा रहे आपके एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चन, तो आप फार्मूले पे सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, फार्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स आता है, तो आप लोगों को मालूम ही होगा जो आजकल ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें कौन है, आप लोगों को मालूम ही होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के GUI, ठीक है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है, तो वो आप लोगों का विंडोज आ जाता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है आजकल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन मैंने इतने स्टूडेंट ने मुझे भेजे थे मैंने आप लोगों को बता दिए। आई होप आप लोगों को ज़रा सा भी हेल्प मिली हो। आप लोगों को अगर तैयारी करके जाएंगे, अच्छे सारे क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, तो आई होप आपको पूरी हेल्प मिलेगी। जिन स्टूडेंट का भी एग्जाम है प्लीज़ हमें कमेंट में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप का भी, तो वहाँ पर हमें क्वेश्चन भेज दीजिएगा जिससे नेक्स्ट डे में किसी स्टूडेंट की हेल्प कर पाऊँ। तो ये आप प्रोसेस आप जरूर करिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 100% देता हूँ। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।